शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का, बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वसीम शेयर कर रहे हैं। वसीम कहते हैं, मैं भुलवाल का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था तो वो सऊदी अरेबिया गया हुआ था, तो वो वहाँ से तकरीबन 2 साल के बाद वापस आया। उसने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान आया हुआ है, तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया। गर्मियों का मौसम था, मैं उसके गांव गया। उसका जो गांव था भुलवाल से आगे ही था, वहाँ पर गया, उससे मिला। वहाँ पर मैं तकरीबन उसके पास शाम तक रहा। रात होगी तो उसने मुझे ये कहा कि रात ज़्यादा हो गई, तुम कल चले जाना। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा। हमारे कुछ और दोस्त भी आए हुए थे, वो रात में उसके पास ही रहा। उसने वहाँ की बहुत सी बातें बताई। उसके बाद जब अगला दिन हुआ तो मैंने नाश्ता वगैरह किया और मैंने उससे ये कहा कि मैंने अपने काम पर भी जाना होता है तो अब मैं चलता हूँ। उससे मैंने इजाज़त ली और मैं उसके गांव से निकल पड़ा। उसका जो गांव था, उसके गांव से आगे जो मेन रोड था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक लंबा रास्ता था जो बड़ा वीरान और सुनसान होता था। गाँव की आबादी काफ़ी आगे थी। उसी रास्ते पर मैं चलता हुआ आ रहा था तो एकदम से मेरा बाइक बंद हो गया। बहुत सख्त गर्मी थी, तेज़ धूप थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बाइक को क्या हुआ है। फ्यूल भी इसमें था लेकिन बाइक बंद हो गया, बाइक नहीं चल रहा था। अब वहाँ पर ना तो मैं आगे जाने वाला था ना ही पीछे जा सकता था, क्योंकि वो मैं काफ़ी ज़्यादा उसके घर से दूर था और मेन रोड से भी दूर था। काफ़ी देर इंतज़ार किया कि बाइक स्टार्ट हो जाए या वहाँ से कोई और गुजरे तो मैं उससे हेल्प ले लूँ। कोई भी नहीं आया। मैं बाइक को पकड़ कर थोड़ा सा वहाँ पर दरख्त से थे उनके नीचे चला गया, क्योंकि धूप में खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत सख्त मुझे प्यास लगी थी। मेरे तो वह वो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से मेरा बाइक बंद हो जाएगा। फिर भी मैंने ट्राई की लेकिन बाइक जो था वो नहीं चल रहा था मुझसे। अब मुझे प्यास लगी थी, मैं इधर उधर देखने लगा तो दूर मुझे एक बहुत घना सा दरख्त नज़र आया। उस दरख्त के नीचे एक नलका लगा हुआ था पानी का। मैंने सोचा चलो शुक्र है पानी तो नज़र आया, मैं पानी पीकर आता हूँ और फिर देखता हूँ बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। मैं वापस गया, उधर नलके की तरफ गया तो अभी मैं पानी पीने ही लगा था, बहुत ठंडा उस नलके का पानी था। मैंने अपना हाथ मुँह धोया और मैंने पानी पिया। पानी पी ही रहा था, एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बड़े गुस्से से कोई गुर्राता है और एक आवाज़ आती है, जैसे कोई जानवर किसी पर हमला करने लगता है तो एक आवाज़ आती है। मैंने इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी यहाँ से मुझे किसकी आवाज़ आ रही है। मैंने पूछा कि यहाँ पर कौन है, आवाज़ें भी दी, कोई आवाज़ नहीं आई। अभी मैं नलके के पास ही खड़ा था, मुझे बकायदा ऐसा लगा मुझे पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया है। मैं गिरते गिरते बचा और मैंने उस नलके को पकड़ लिया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैं नलके से जैसे ही पीछे हटा मैं अपनी बाइक की तरफ जाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाइक के ऊपर जैसे कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। अब वो रोड ऐसा था जहाँ पर आबादी थी नहीं, मैंने बकायदा वहाँ पर एक बच्चे को बैठा देखा। मैं उधर से पूछने लगा कि ये बच्चा कौन है। बिल्कुल छोटा सा 2-3 साल का बच्चा लग रहा था, और इतना छोटा बच्चा बाइक पर खुद बैठ भी नहीं सकता, और वो बिल्कुल देख भी मेरी तरफ ही रहा था। अपनी बैक साइड से मुझे एकदम से हंसी की आवाज़ आई, जैसे कोई कहका लगाकर हंसता है। बहुत भारी आवाज़ थी वो किसी औरत की आवाज़, लेकिन आवाज़ बहुत भारी थी। मैंने फिर पीछे पलट कर देखा और मैंने ये कहा कि कौन है यहाँ पर, मुझे कौन तंग कर रहा है। पीछे पलट कर देखा, जब अपनी बाइक की तरफ देखा तो बाइक पर बच्चा नहीं था जिसे मैं अभी 1 मिनट पहले देख रहा था। मैं भागता हुआ अपने बाइक के पास आया, मैंने इधर उधर अपने बाइक को देखा, कोई बच्चे का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मैं बहुत डर गया। मैंने फिर नलके की तरफ देखा। अब उस नलके में और मुझ में इतना गैप था, तकरीबन 10 से 15 कदमों का गैप था, यानी मैं अपने उस दर के नीचे खड़े होकर सामने से उस जगह को देख सकता था। तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर एक औरत खड़ी है और वो औरत बिल्कुल नलके के पास खड़ी हुई है। ब्लैक कलर का उसका ड्रेस था और ऐसा था जैसे उसने मेरे चेहरे के आगे भी दुपट्टा किया हुआ है।
मुझे बड़ा तजुब हुआ कि यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है, फिर ये औरत कौन है? शायद इस औरत का ही बच्चा था। तो मैंने सोचा कि मैं इससे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ से मुझे हेल्प मिल सके, मेरा बाइक ख़राब हो गया है। मैं वहीं पर बाइक के पास खड़ा होकर उसको आवाज़ें देने लग गया। मैंने सलाम किया, उसको आवाज़ दी, वो टस से मस नहीं हुई, सिर्फ खड़ी हुई थी वो नलके के पास। मैं थोड़ा पास जाने लगा, अभी मैं उससे 3-4 कदम दूर था तो मैंने उससे ये कहा कि मेरी मदद करो, मेरा बाइक ख़राब हो गया है, क्या यहाँ पर मुझे किसी किस्म की कोई मदद मिल सकती है? उसने फिर भी जवाब नहीं दिया, ऐसे तो जैसे कोई स्टैचू खड़ा हुआ है, हिलजुल भी नहीं रही थी। मैं थोड़ा सा और पास गया, मैंने फिर सलाम किया और मैंने बहन करके उसको बुलाया और ये कहा कि मेरा बाइक ख़राब हो गया, बहुत तेज़ धूप है, मुझे शहर जाना है और मुझे यहाँ से कोई मदद मिल सकती है, बस ये कहने की देर थी। उसने जब मेरी तरफ चेहरा किया, उसका चेहरा इतना भयानक था, उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, जो आँख थी उसकी जगह पर सफ़ेद कलर का जैसे कोई धब्बा होता है वो था, सुर्ख रंग की उसकी ज़ुबान थी जो मुँह से बाहर निकली हुई थी। मैंने जब उसको देखा, मुझे तो मेरी तो हैरत ही गुम होगी कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं फ़ौरन अपने बाइक की तरफ भागा, मैंने अपने बाइक को जैसे ही किक किया मेरा बाइक स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने उस तरफ़ देखा, उस तरफ वही जो थी वो औरत जो थी वो हवा में थी और वो ऐसे लग रहा था जैसे वो दरख्त के ऊपर की तरफ जा रही है। ये दोपहर के टाइम का सीन था। मुझे नहीं पता मैं उस रोड से कैसे निकला, कब मैं वहाँ से बाहर आया। जब मैं मेन रोड पर पहुँचा, मैंने अपना बाइक खड़ा किया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर किसी ने पकड़ लिया है, मुझे चक्कर आने लग गए, मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया। मैं 5 मिनट वहाँ पर खड़ा रहा, वहाँ से 1-2 गाड़ी गुजरी तो उन लोगों ने जब देखा कि मैं ज़मीन पर बैठा हूँ सर पकड़ कर, तो कुछ लड़के थे उसमें भी, उन लोगों ने गाड़ी रोकी और मेरे से पूछा कि क्या मसला हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से मैं रोड से आ रहा था तो ये मेरे साथ हुआ। उन लोगों का ये कहना था कि ये जो रास्ता है ये बड़ा मशहूर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं और गर्मियों की दोपहर में ये जिन्नात अपना आप जाहिर भी करते हैं, क्योंकि ये वीराने हैं और यहाँ पर बाकायदा मशहूर है कि यहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात का बसेरा, यहाँ इस रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों को मुख्तलिफ रूप में जिन्नात नज़र आते हैं। हम भी उसी गांव के हैं लेकिन हम लोग मेन रोड की तरफ आते हैं, हम लोग इस कच्चे रास्ते से आते जाते ही नहीं हैं। यहाँ पर दिन के टाइम भी ऐसे चेहरे वाली औरतें नज़र आती हैं जो लोगों को आवाज़ें देकर बाकायदा रोकती हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त है पीपल का, जिसके ऊपर जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। वो दरख्त बहुत कदीम और पुराना है, उस दरख्त की निशानी है कि उस दरख्त के पास एक नलका भी लगा हुआ है। लोगों का ये मानना है कि ये नलका बहुत कदीम और पुराना है, यहाँ से कोई भी पानी नहीं पी सकता। मैंने उन्हें ये कहा कि मैं तो उस नलके पर ही गया था, वहीं से पानी पी कर आया हूँ और मुझे उन जिन्नात ने अपना आप जाहिर किया। मैंने अपनी बाइक के ऊपर एक बच्चे को भी बैठे देखा था। उन लोगों ने मुझे हौसला दिया और ये कहा कि अब तुम यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि दोपहर का टाइम है और ये इस रास्ते तक, रोड के बाहर तक वो जिन्नात रहते हैं। उन लोगों ने जब मेरे से बातें की, मुझे हौसला दिया, कुछ हिम्मत आई, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं घर पहुँचा। बहुत सख्त मुझे बुखार था। घर आकर मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, अम्मी अबू को बताई, वो लोग परेशान हो गए। अबू ने असर की नमाज के बाद मुझे पानी दम करके दिया, वो मैंने पानी पिया। उस पानी पीने से ये हुआ कि जो एक शिद्दत का मेरे सर में दर्द था वो कुछ कम हो गया, तो मैं जाकर अपने कमरे में लेट गया। कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मगरिब की अजान के बाद की बात है, अम्मी कहीं आई मुझे जगाने के लिए कि अब जाग जाओ, रात हो गई है, उठकर कुछ खा लो। मुझे उनकी बाकायदा आवाज़ आई और मैंने उन्हें आगे से ये जवाब भी दिया कि जी मैं आता हूँ। वो जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गई। वैसे वहीं पर लेटे लेटे मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं कुछ जाग भी रहा था और कुछ नींद में भी था। पूरी तरह से मैं उठा नहीं था, बुखार था, सर भारी था, सर में दर्द भी था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर किसी ने पकड़ कर जैसे मेरे पिलो से ऊपर किया है, बकायदा जैसे आपके सर को पकड़ कर आपको उठाने की कोशिश करता है। मैं अम्मी की आवाज़ सुन रहा था, अम्मी कमरे से बाहर चली गई थी और उनकी बाहर से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने अपने सर के ऊपर हाथ लगाना चाहा तो ऐसे लग रहा था कि किसी ने मेरा सर पकड़ा हुआ है। वो हाथ ऐसे थे, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ थे और उन हाथों के ऊपर बाल थे। अब उसने मेरा सर बकायदा पकड़ा हुआ था तो मैंने चीखना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसने बहुत ज़ोर से मेरा सर झटक दिया। अम्मी कमरे में आई, अम्मी ने लाइट ऑन की, अम्मी को मैंने सारी बात बताई। मेरे कान बहुत रेड हुए हुए थे,
अम्मी को मैंने बताया कि इस तरह से मेरा किसी ने सर पकड़ा हुआ था और मुझे वो हाथ भी महसूस हुए हैं, बहुत गर्म हाथ थे वो। अम्मी तो बहुत डर गई, अम्मी ने फ़ौरन से अब्बू को बुलाया। अब्बू आए, उन्होंने जब मुझे देखा, बुखार भी था और मेरे दोनों कान बहुत रेड हो रहे थे। अब्बू ने कहा कि अभी उठो, हम मौलवी साहब के पास चलते हैं। हम मौलवी साहब के पास के मस्जिद में मगरिब के बाद नमाज़ी जा रहे थे वहाँ से, तो मौलवी साहब ने जब दम किया तो मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। वो दम पड़े थे, मेरी तबीयत और ख़राब हो रही थी, मेरा सर भारी हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, आंखों में से पानी आ रहा था। मौलवी साहब ने कहा कि इस लड़के के ऊपर बहुत सख्त जिन्नात की हाजिरी हुई हुई है और जिन्नात ने इसको पकड़ा हुआ है और वो है भी एक से जाहिद, तो मैं इनको हटा नहीं सकता, बेहतर यही किसी आमिल से रब्ता करें। अबू ने वहीं पर बैठे बैठे मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया, वो भी आ गए। मेरे बड़े भाई का एक दोस्त था तो उसके ताया अबू थे, वो ये इलम वगैरह करते थे, उनको उनके पास गए। फौरन वहीं से सीधा उनकी तरफ चले गए। वो अपने ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे और उनके पास अक्सर लोग आते थे जिन्नात वगैरह का इलाज करवाने। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि अभी वहीं पर रुको, अंदर ना आना, इसके ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सी मखलूकात हैं। मेरे अब्बू को, मेरे भाई को, उसके दोस्त को उन्होंने साइड पर कर दिया। उनके हाथ में एक ब्राउन कलर की तस्बीह थी। तस्बीह पढ़ते पढ़ते उन्होंने मेरे सर के ऊपर से तीन चक्कर दिए तस्बीह को, और कुछ ऐसे लगा जैसे जैसे वो चक्कर दे रहे थे तस्बीह के, मेरा सर भारी से कम होता जा रहा था, यानी वो वेट मुझे कम फील हो रहा था। तो फिर उन्होंने गुस्से से ज़मीन के ऊपर तीन दफ़ा थूक दिया और ये कहा कि अब अंदर आ जाओ। अंदर मैं जाकर बैठ गया उनके पास, सारा माजरा उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सर के ऊपर इस वक्त भी तीन जिन्नात मौजूद थे जिनमें एक औरत और दो मर्द थे। तुम किसी ऐसी जगह से होकर आए हो जहाँ पर जिन्नात का बसेरा था, तुम उनके बहुत करीब गए हो, उनसे मुखातिब हुए हो। मैंने उन्हें सारा रास्ते का वो वाक़या तो बता ही दिया था। उनका ये कहना था कि वो जिन्नात वहाँ पर सदियों से रहते हैं, 100 साल से भी ज़्यादा के वहाँ पे मुकीम है, वहाँ पर कोई इंसान नहीं जाता। जब तुम उस रास्ते से दोपहर के टाइम गुजर रहे थे तो उनके बच्चों ने शरारत करके तुम्हारा बाइक रोका था, जो बाद में तुम्हारे बाइक के ऊपर बैठ कर खेलते रहे और तुम्हें अपना आप जाहिर भी किया। अगर तुम वहाँ से ना भागते तो तुम्हें नुकसान भी हो सकता था, लेकिन जब तक तुम भागे थे वो जिन्नात तुम्हारे ऊपर हावी हो चुके थे। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिए, एक धागा था जो मेरे गले में पहनाया, वो तीन कलर का धागा था, रेड, येलो और ब्लैक कलर का। उनका ये कहना था कि 7 दिन के बाद दोबारा आना है और ये जो धागा गले में डाला है इसका कलर चेंज हो जाएगा। तावीज़ भी दिए, बिस्तर में लगाने के लिए भी दिए, कुछ पीने के लिए भी दिए और नहाने के लिए भी दिए। मैंने 7 दिन मुकम्मल वो इलाज किया। उन 7 दिन में मुझे डरावने ख्वाब भी आते थे, कोई मेरे सोए हुए गला पकड़ने की कोशिश करता था, मुझे वेट फील होता था और एकदम से वो जैसे झटका सा लगता था और वो चीज़ गायब हो जाती थी। 7 दिन के बाद जब मैं गया, उन्होंने मेरे वो गले का धागा चेक किया तो जो येलो रंग का था वो भी रेड कलर का हो चुका था। उनका ये कहना था कि ये जिन्नात बहुत सख्त थे, धागे का कलर चेंज हुआ है इसका मतलब है कि वो अब तुमसे पीछे हट चुके हैं, तावीज़ का असर हो गया है। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि अब ये तावीज़ तुमने गले से कभी भी नहीं उतारना और कोशिश करनी है 41 दिन कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना, 41 दिन किसी वीराने की तरफ से नहीं गुजरना और 41 दिन मगरिब के बाद खुले आसमान के नीचे नहीं जाना, क्योंकि 41 दिन तक वो मखलूक हमला करने की कोशिश करती है। फिर मैंने परहेज़ की, एहतियात की बहुत ज़्यादा, 41 दिन के बाद दोबारा उनके पास गया। फिर उन्होंने तावीज़ चेंज किया, उस तावीज़ को बहते पानी में बहा कर आया, उस धागे को भी बहा कर आया 41 दिन के बाद। फिर कुछ सदका खैरात उन्होंने करवाया, चलते पानी में मेरे कपड़े और उनके साथ कुछ दाल थी, कच्ची दाल वो फेंकी और गोश्त लेकर वो कब्रिस्तान में फेंकना था वो फेंका। फिर उसके बाद मैं ठीक हुआ, लेकिन अक्सर मुझे 1 साल तक डरावने ख्वाब आते थे, वही जगह नज़र आती थी, वही जिन्नात नज़र आते थे। अब वो शायद वो मेरे वहम में, जहन में वो चीज़ बैठी हुई थी इसलिए नज़र आते थे। उसके बाद मैं फिर बहुत कम घर से बाहर निकलता था। अपने उस दोस्त की तरफ मैं दोबारा नहीं गया, उसे मैंने सारी बात भी बताई थी, ये मेरे साथ हादसा हुआ था। और उसके बाद भी मैं अक्सर उनसे दम करवाने जाता रहता था।
फिर उसके 3 साल के बाद मेरी शादी हो गई और फिर मैं अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो गया। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जिसको मैंने फ़ेस किया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, किसी वीराने से गुजरे तो कोशिश किया करें कि वहाँ पर रुके मत, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था वीरानों में ऐसी मखलूकात मौजूद होती हैं जो हमारे नज़र से तो ओझल होती हैं लेकिन वो हमें देख सकते हैं और हम पर हमलावर भी हो सकते हैं। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नदीम शेयर कर रहे हैं सखर से। नदीम कहते हैं कि जैसे कल आपके साथ मैंने अपने दादाजी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर की थी, मेरे दादाजी कहते हैं उसी लड़की के वालिद साहब ने हमें उस लड़की की ज़िंदगी के कुछ ऐसे खौफनाक वाक़यात बताए जिनको सुनकर हम लोगों के दिल दहल गए। उसके वालिद साहब का ये कहना था कि जब शुरू शुरू में हम लोगों की बेटी के ऊपर इस मखलूक की हाजिरी होना शुरू हुई तो उसके बाद हम लोगों की बेटी के क्या हालात थे। वो कहते हैं बचपन से लेकर ही वो हमें ये अक्सर बताती थी कि मुझे कोई डराता है, लेकिन हम उसको ये कहते थे कि बच्ची है शायद डर जाती है, क्योंकि गांव के घर बहुत बड़े और खुले होते हैं। हवेली नुमा हम लोगों का घर था और हम लोगों के घर में एक बहुत बड़ा दरख्त भी लगा हुआ था जो बिल्कुल सहन के सेंटर में था। अक्सर वो वहाँ पर जब बैठती थी तो ये कहती थी कि मुझे सामने कोई औरत नज़र आती है और वो मुझे अपने पास बुलाती है। हम लोग उसको ये कहते थे कि ये दरख्त की शाखें हिलती देखती है तो ऐसी बातें करती है। जब हम लोगों की बेटी यंग हो गई, वो उन चीज़ों को समझने लग गई, तब भी अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, उसे बुखार हो जाता था, वो बहुत ज़्यादा डरती थी, सोए हुए में बातें करती थी, उसकी बातों की हमें समझ नहीं आती थी। एक दफ़ा की बात है, रात तकरीबन मगरिब के बाद की बात है, 7:30-8 बजे का टाइम था। हम लोग रात का खाना खा चुके थे और बाहर शहर में जैसे गांव का एक कल्चर होता है चारपाइयाँ बिछा कर हम लोग सोने ही वाले थे। हम लोगों की वो जो बेटी थी उसकी चारपाई उस दरख्त की तरफ ही थी। एकदम से उसने चारपाई पर लेटे लेटे ही रोना शुरू कर दिया और उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक सी थी। जैसे ही हम लोगों ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी, हम लोग सारे भागते हुए उसके पास गए और उससे पूछने लगे कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो अपने दुपट्टे में अपना मुंह छुपाए बस रोए जा रही थी। वो आवाज़ उसकी नहीं लग रही थी। हमने उससे बार बार पूछा, जैसे कैसे करके हम लोगों ने जब उसको संभालने की दिलासा देने की कोशिश की कि पानी पी लो, तुम्हें हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही, एकदम वो चुप कर गई। जैसे ही उसने दुपट्टे से अपना चेहरा हटाया तो उसकी जो आंखें थी, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, उसकी आंखों में कोई भी ब्लैक आईबॉल नहीं था। उसकी इतनी खौफनाक आंखें देखकर हम लोगों की चीखें निकल गई और हम लोग फौरन से उससे पीछे हट गए। तभी वो एकदम से कह के मार के हंसने लग गई और हंसती हंसती भागती हुई हम लोगों का जो छत था उसकी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ गई। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि हम लोग क्या करें, ये ऊपर क्या करें। हम लोग उसको आवाज़ें दे रहे थे कि नीचे आ जाओ, लेकिन वो किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। बिल आखिर हम लोगों ने हिम्मत की कि ऊपर से जाकर इसको नीचे लेकर आते हैं। अभी हम लोग ऊपर जाने ही लगे थे तो वो पाँव के बल बिल्कुल सीढ़ियों के सामने बैठी हुई थी। उसका चेहरा हद से ज़्यादा डरावना हुआ हुआ था और वो पता नहीं क्या खा रही थी, हमें नहीं पता। छत के ऊपर खाने वाली कोई चीज़ नहीं थी और वो कोई चीज़ उठा उठा कर खाती जा रही थी, खाती जा रही थी। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ने की कोशिश की, उसमें इतनी ताकत थी, ऐसे लग रहा था कि वो हम लोगों को उठाकर छत से नीचे फेंक देगी। तभी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसने फिर रोना शुरू कर दिया। जैसे उसकी कंडीशन वो बैक जा रही थी, रोते 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 एकदम सीढ़ियों से नीचे भागी। जब नीचे आई तो आकर उसी चारपाई पर दोबारा लेट गई और एकदम से जैसे वो सोने के, ऐसे लग रहा था जैसे वो सो गई है। हम लोग उसके पास खड़े हुए थे, जैसे हमने उसको दोबारा से हिलाया चुलाया कि ये बोले कोई बात करे तो वो उठकर बैठ गई और हम लोगों को बड़ी हैरत से देखने लगी और ये कहने लगी कि क्या बात है, आप लोग क्यों ऐसे मुझे बुला रहे हैं, क्यों जगा रहे हैं, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे। हमने उससे बताया कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ था, तुम रो क्यों रही थी। उसने ये कहा कि मैं तो रोई ही नहीं, मैं तो यहाँ से उठी ही नहीं। उसके हाथ भरे हुए थे। ऊपर हम लोगों की छत के ऊपर हम लोग जिन लकड़ियों के ऊपर खाना बनाते थे गर्मी के मौसम में, जो उनका कोयला बच जाता था वो लोग हम छत के ऊपर फेंक देते थे।
उसके हाथ और उसका पूरा मुंह भरा हुआ था। वो वहाँ पर बैठकर कोयले खा रही थी और कोयले जिन्नात की खुराक होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर के कि अब हम लोग क्या करें। वो सारी रात सोई रही, हम लोग बैठे रहे कि कहीं दोबारा कोई इसके ऊपर कोई दौरे की कंडीशन ना आ जाए। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया था कि जो चीज़ इसको डराती है, जो मखलूक, अब वो इसके ऊपर आने लग गई है। फजर के बाद मस्जिद में गया तो वहाँ पर जाकर मैंने मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब बुज़ुर्ग थे, पहुँचे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि तुम लोग टाइम ज़ाया मत करो, इसको किसी सैयद साहब के पास लेकर जाओ, क्योंकि मखलूक की हाज़िरी होना ठीक नहीं है। जब मैं वहाँ से वापस आया फजर की नमाज़ पढ़ के, तो मैंने अपने एक दोस्तों से बात की, मेरे बड़े भाई भी थे उनसे भी बात की। उन्होंने एक आमिर साहब का हमें बताया, वो दूसरे गांव से थे, उधर अब इसको लेकर जाना था। बड़ी इसकी मिन्नतें की हमारे साथ चलो, ये कहती थी मैंने जाना ही नहीं, मुझे कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। हमने उसे बताया रात तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तुम्हारी आँखें सफ़ेद हो गई थी, तुम ये सब करती रही हो। वो आगे से बात को मानती ही नहीं थी और भागती भागती गई जिस कमरे में हम लोग सारा राशन वगैरह रखते थे। वहाँ पर हम लोगों की गंदम, चावल, गुड़ वगैरह हर चीज़ पड़ी होती थी। उस कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ से निकालने लग गई। अब वो मखलूक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लग गई थी। हमें पता लग गया था कि ये फिर तकलीफ़ में, अंदर उसने उठा उठा कर चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोग चुप करके बैठे रहे कि अब ये तकलीफ़ में है। जैसे ही आधा घंटा गुजरा, वो बाहर निकली, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। तो जब दौरा पड़ता था उसके बाद, वो जब नॉर्मल होती थी उसको कुछ याद नहीं रहता था। तो आकर अपनी अम्मी के पास बैठकर रोने लगी और कहने लगी, देखो मेरे कपड़े फट गए हैं, पता नहीं कैसे फट गए हैं। फिर उसके कपड़े चेंज करवाए, उसको हम लोग बड़े बहाने से लेकर गए उन आमिल साहब के पास। जब वहाँ पर लेकर गए, आमिल साहब ने जैसी पढ़ाई की, पानी दम करके उसको पानी पिलाया, पानी उसने पी कर रखा तो पानी का कलर ही चेंज हो गया, पानी का कलर ग्रे ब्लैक सा हो गया। तो नामिल साहब का ये कहना था कि इसके सर के ऊपर एक चुड़ैल है, वो इसको नहीं छोड़ेगी, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो चुड़ैल इसके ऊपर अब हावी हो गया। वो आज से नहीं, वो बचपन से इसके साथ है। अब जब ये जवान हुई है तो वो इसके ऊपर हाजिर होने लग गई है। उन्होंने तावीज़ दिए, कोई असर नहीं हुआ। अक्सर उसको दौरे पड़ जाते थे, वो बकरी की आवाज़ें निकालती थी, कभी किसी जानवर की आवाज़ें निकालती थी, और बकायदा उन जैसी आवाज़ें होती थी। दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी, उसको डर नहीं लगता था कि वो गिरेगी, चोट लग जाएगी। उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। तकरीबन हमने 5 साल उसका इलाज करवाया। हम लोग उसको हर जगह पर ले लेकर गए, वो घर की चीज़ें तोड़ देती थी। जब उसको दौरा पड़ता था हम लोग उसे बदतमीज़ी करती थी, मारने तक आती थी। घर में हम लोग कच्चा गोश्त ला ही नहीं सकते थे, उसको स्मेल आती जाती थी, वो कच्चा गोश्त खाने लग जाती थी। उस मखलूक ने उसको बहुत अजियतें दी। बिल आखिर 5 साल के बाद हम लोगों को कराची में एक बहुत बड़े आमिल साहब का पता चला। उनके पास जब लेकर गए तो उन्होंने 3 दिन उसके ऊपर एक अमल किया। 3 दिन हम वहीं पर रहे। 3 दिन उस अमल के दौरान उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि ऐसा लगता था कि शायद ये बचेगी नहीं। इतनी वॉमिटिंग्स करती थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती थी, इसको खाती पीती कुछ भी नहीं थी, पानी पीती रहती थी, वॉमिटिंग करती थी, बिल्कुल निढाल हो गई थी, बहुत येलो कलर हो गया था उसका, कभी इसका कलर बहुत ब्लैक हो जाता था। जब उसके ऊपर दौरा पड़ता था उसका कलर बहुत ब्लैक हो जाता था। 3रे दिन जब उन आमिल साहब ने अमल किया तो वहीं पर हम लोगों ने एक बकरे का सदका दिया और उसके सर के कुछ बाल काट कर आमिल साहब ने कहा कि ये बकरे के साथ ही आप किसी वराने में फेंक गए। वो फेंक कर आए तो उसकी कुछ कंडीशन नॉर्मल हुई। मम्मी ये कहने लगी कि मैं ठीक हूँ। फिर वो नामिल साहब ने ये कहा कि मैंने वक्ती तौर पर उस मखलूक को इससे हटा दिया, अब आप इसकी शादी कर दें। फिर हम लोगों ने भाग दौड़ करके अपने ख़ानदान में ही उसका रिश्ता ढूंढा, उसकी शादी कर दी, वो ठीक हो गई। 1 साल बिल्कुल ठीक गुजर गया, कोई दौरा नहीं पड़ा, कोई डर नहीं लगा, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई, कुछ उसको महसूस ही नहीं होता था। फिर जब अल्लाह का करम हुआ, जब वो उम्मीद से हुई, तो उसके घर जब बेटी की पैदाइश हुई तो उसके बाद उसको फिर वो दौरे की कंडीशन पड़ गई। और वो दौरे की कंडीशन ऐसी उसके ऊपर हावी हुई कि उसने उसको जान से ही मार दिया। उन 3 दिनों में जब उसको दौरा पड़ता था तो उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो जाता था,
उसका मुंह इस हद तक खुल जाता था, ऐसा लगता था जैसे उसके जबड़े टूट गए हैं। उसको दर्द भी नहीं होता था। उसने बच्ची को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने बिल्कुल बच्ची को दोनों हाथों से यूँ पकड़ा हुआ था कि जैसे अभी ये इस बच्ची को जैसे गुड़िया की तरह तोड़ देगी। तो हमने इस बच्ची के रोने की आवाज़ें जब सुनते थे तो हम बचा लेते थे, फिर उसके नज़दीक हमने बच्ची को जाने ही नहीं दिया। उन 3 दिनों में बिल्ली की आवाज़ें निकाल निकाल कर वो रोती थी। फिर आखिर 3रे दिन उस मखलूक ने उसको जान से ही मार दिया। ये उसी लड़की के फादर ने ये बातें बताई थी मेरे दादाजी को, जो मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको सुनाऊंगा। ये इस लड़की की ज़िंदगी की पिछली कहानी थी जब उसके ऊपर ये दौरे पड़ते थे, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर नया नावल मैं आज ऑन एयर करूँगी, क्योंकि मैंने 2 नावल सेलेक्ट किए हैं और वो दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह उनमें से किसी एक की एपिसोड आज ज़रूर ऑन एयर होगी। तो हॉरर उर्दू सेंटर को विज़िट करिएगा। कम्युनिटी टैब में मैं आपको नावल का नेम भी आज बता दूँगी। नशीर वॉइस ऑफिशियल 99 पर मैं व्लॉग भी पोस्ट करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और अगर आपको कोई भी बताता है, कोई बच्चा आपका या कोई बुज़ुर्ग या कोई बड़ा बताता है कि हमें कोई डरा रहा है, हमें कोई अपने होने का एहसास दिला रहा है, तो हर बात को वहम नहीं समझते। कुछ बातों में हकीकत भी होती है, उनको महज उनका वहम समझ के उनके हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसी बात बता रहा है तो उनको कोशिश करें कि किसी साहिबिल हस्ती के पास लेकर जाएं और उनको उस तकलीफ़ से निजात दिलाएं, ना कि वो काम बढ़ जाए और फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निकेबान।